खतरे को पार कर चुकी है और बजट सत्र की घोषणा के मुताबिक ये राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर होते हुए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सवाई माधोपुर के 1,59,000 से ज्यादा पेंशनधारी प्राप्त कर रहे हैं 18,72,00,000 से ज्यादा की राशि। इसी तरह राजसमंद के 1,86,000 पेंशन धारक इन्हें मिलेगी 21,96,00,000 से ज्यादा की राशि और इसी तरह 15,63,00,000 से ज्यादा की राशि प्रतापगढ़ के 1,33,000 पेंशन धारियों के बैंक खातों में। सूचना प्रौद्योगिकी सुंदर बानगी और एक क्लिक के माध्यम से ये राशि खातों में हस्तांतरित होते हुए। तो ये देखिए 88,35,137 लाभार्थियों को ये बड़ी रकम 10,37,59,000 से भी ज्यादा, माफ कीजिएगा 10,37,00,000, ये तो और भी ज्यादा रकम जाहिर तौर पर, क्योंकि एक बड़ी रकम यहां पर ट्रांसफर की जा रही है डीबीटी के जरिए और 88.44 लाख पेंशनर्स हैं और कुल मिलाकर 1,000 करोड़ से भी ज्यादा राशि ये ट्रांसफर की जा रही है। सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, चाहे वो दिव्यांगों को पेंशन देने की बात हो, विधवाओं को पेंशन देने की बात हो और बुजुर्गों को पेंशन देने की बात हो, ये वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से सरकार बनने के बाद 15% बढ़ोतरी करेंगे। अब लाभार्थियों संवाद भी यहां पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मैं पारुल दीक्षित, मुझे एकल नारी समान पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है सर जी। आपको कितनी राशि प्राप्त हुई है सर? आज पहले मेरे को 1,000 रुपए मिल रही थी, आज सर मेरे को 1,150 रुपए प्राप्त हो गए। बहुत अच्छा। क्या आपके परिवार में कोई और भी है जो पेंशन धारक है? नहीं सर, मैं अकेली हूँ। बहुत अच्छा। चलिए, आपको संतुष्टि है पूरी तरह से? हाँ जी सर, वो तो आपके चेहरे से झलक रही है। धन्यवाद सर आपका। चलिए, श्रीमती कमला देवी आप प्राप्त करेंगे मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। मैं कमला देवी झुंझुनू से बोल रही हूँ। मुझे पालनहार और खाद्य सुरक्षा और पालनहार और विशेष योग्यजन स्वरोजगार के से हमने लोन लिया था, उसमें 50,000 की सब्सिडी मिली हुई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। चलिए, ये उदयपुर हेलो मुख्यमंत्री, मैं आपका आभार करती हूँ। मधुपालीवाल जी सर, मैं मधुपालीवाल उदयपुर से बात कर रही हूँ सर। सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी राशि बढ़ाई है और मुझे हर महीना राशि प्राप्त हो रही है सर, और अभी बढ़ी हुई मिल रही है सर, और मेरे 2 बच्चे हैं उनको पालनहार के पैसे भी मुझे हर महीना खाते में डायरेक्ट आ जाते हैं सर, 1,500 से 1,500 रुपए सर, बहुत लाभ मिल रहा है सर मुझे। मुझे 4,000 रुपए हर महीना मतलब मिल रहा है मुझे सर, बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे हमारे हेमंत जी बैठे, हमारे राजस्व मंत्री हेमंत जी बैठे हुए हैं, ताराचंद जी बैठे हुए हैं। कौन सा मंत्री है ये? बहुत अच्छा, अधिकारिता और इनके बगल झालावाड़ लेफ्ट में, ये भी झालावाड़ नहीं, ये झालावाड़ से लाभार्थी श्री राम प्रकाश पी जी।
तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप झुंझुनू से देख रहे हैं, कार्यक्रम झुंझुनू में है, शेखावाटी में है, लेकिन लाभ पूरे प्रदेश के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है एक क्लिक पर। ये बड़ी राशि, बड़ी रकम, ये वादा पूरा करके मुख्यमंत्री की तरफ से उन तमाम लाभार्थियों को फायदा दिया गया है, उनका हक दिया गया है, जिनके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से वादा किया गया था कि सामाजिक सुरक्षा योजना से संबंधित योजनाओं में आने वाली पेंशन का 15% बढ़ाएंगे और प्रदेश भर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग पेंशन हासिल करने वाले लाभार्थियों से वार्तालाप यहाँ मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपके खाते में आ गई ना आज पेंशन? हाँ आ जाएगी साहब। जी जी, आपने आपने की है जो आएगी। जी जी जी, और ठीक है आप? और सब ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद है, धन्यवाद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बीकानेर, नमस्कार मुख्यमंत्री जी। कौशल्या जी आपको प्रणाम। मेरा नाम कौशल्या। नमस्ते, कैसी हो कौशल्या जी? बहुत बढ़िया जी, आपको प्रणाम। मैं बीकानेर से कौशल्या सुथार, एकल नारी पेंशन योजना से मेरे को लाभ मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मेरे को 1000 रुपए मिल रहे थे, अब आपने बढ़ा के 1150 कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो ये हुए पहली किस्त में, अभी तो और बढ़ने वाले हैं, चिंता मत करिए जी। धन्यवाद। ब्यावर, ब्यावर। हाँ जी सर। जी पूसा राम जी, कैसे हो? राम रतन हूँ सर। अच्छा राम रतन जी। हाँ जी, जेतारण विधायक, ठीक हूँ सर जी। आपके खाते में अभी आ गई पेंशन? अभी तो नहीं आई, आ जाएगी साहब। स्वागत में आपका, घना एसु, घना कोर्सु, घना मानसु, आप रो मारा एवडे रे अलग सो सौभाग्य है जो आपसे बात करे सर। राम रतन बोल रहा हूँ सर। अरे राम रतन जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ सर, मारा सौभाग्य है जो आपसे बात करे, नहीं तो सर किसी से राम राम करे ना तो भी चल जाने दे रहे, दिव्यांग 10-20 रुपए मांगेगा। हमारा सौभाग्य है सर आपसे बात करना। चलिए। हाँ जी साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम राम साहब। और पालनहार मिल रहे 2 बच्चों के साहब? चलिए 21 जून को भी आए सर 3000 आपके हमारे। और अभी आने वाले समय में साहब ये स्कूटरी का है ना सर, ये 1843 है, उसका 1850 करो तो हमारे भी वंचित नहीं रहे सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, करो ली। हाँ वह बाजू में लक्ष्मण जी करौली। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं प्रहलाद बेनीवाल करौली से। हाँ प्रहलाद जी। सर सबसे पहले मैं करौली जिले के समस्त विशेष योगदान समुदायों की ओर से आपके चरणों में नमन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार। आप सर, सभी बैठे हैं, हमारी राजकुमारी जी सभी बैठे हैं, आप सभी को नमस्कार। हमारे दर्शन जी बैठे हैं, हमारे प्रभारी जवाहर सिंह जी बैठे हैं, बहुत अच्छा। आपकी पेंशन पहुंच गई पहला जी? हाँ सर, मेरे अकाउंट में भी मैंने ट्रांजैक्शन चेक किया है इसका सर। करौली जिले में ही नहीं सर, पूरे करौली जिले के सभी विशेष योगदान समुदाय की ओर से आपका दिल से आभारी सर। चलिए बहुत अच्छा, आप तो सभी को नमस्कार, सभी को, आपको जो पीछे बैठे हैं उन सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं और आपके द्वारा संचालित कई योजना है उनका भी मैं लाभ ले रहा हूं सर। पालनहार योजना है, मेरे 2 बच्चे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, चलिए। तो देवियों सज्जनों, आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद सभी पेंशन धारियों